अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आप लोगों को अच्छा रहना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज है मतलब जुम्मे के दिन, आप सबको पता होगा, और अजान पड़ चुका है। तो आदमी लोग मतलब घर के जो आदमी है वो तो मस्जिद चले गए, हम लोग तो घर पे पढ़ेंगे। तो आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और बाबू को बहुत ज्यादा नींद आ चुका है, मैं बाबू को सुला दूंगी, उसके बाद मैं नमाज पढ़ूंगी। ये देख सकते हैं आप लोग, बाबू। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मैं देखने आई थी धूप कितना है, कपड़ा लगाना है, कपड़ा टांगना है, धोना है बाबू का, तो इसलिए आई थी। और आज तो जुम्मे के दिन है, हम लोग के लिए मतलब जुम्मे के दिन तो ईद के दिन ही माना जाता है ना। तो आज ना मैंने मेरे घर पे पहले से था, जो मेरी सिस्टर का है वो अभी इससे पकड़ा है, ये जो होता है ना सेल्फी स्टिक, उससे मैं आज ब्लॉगिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। हाथ कांप रहा है, शायद आप लोगों को वीडियो मतलब कापा कापा ऐसा मतलब ऐसा लग रहा होगा, हिला हिला हुआ। तो आप लोग बताइएगा कैसा हुआ है आज का ब्लॉग। मैंने वो सेल्फी स्टिक, मैं तो कोशिश कर रही हूँ करने की। बाबू तंग हो रहा है अभी, मतलब मुझे ले जाओ, क्या कर रही हो मम्मा, मुझे सोना है। तो आप लोग बताइएगा सेल्फी स्टिक से, क्या बोला तूने, मतलब स्टिक से कैसा हो रहा है, क्या बोले जा रहे हो। हवा बहुत है फिर भी बाबू बहुत पसीना पसीना हो रहा है। ये देखे बाबू ने पत्ता तोड़ लिया, बाबू ये देखे हवा, ये पेड़ पौधे हिल रहे ना, मैं यही दिखाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा बाबू, चलिए दोस्तों बाबू को सुला देते हैं। बहुत ज्यादा धूप है, अभी पसीना पसीना हो गई। तो जी, आज नाश्ते में मेरी है ये दूध और ये चार ब्रेड, तो मैं ये आज नाश्ते में मतलब सुबह के नाश्ते में खा रही हूँ। जी, मैंने बाबू को सुला दिया है, बाबू सो रहा है, इधर से रोशनी आ रहा है, ये मैं विंडो हटा मतलब अंधेरा करने वाली हूँ और इसे बंद कर देती हूँ आपको दिखाने के लिए किया था। बाबू सो रहा है, बाबू को सोने देते और मैं जा रही हूँ कपड़ा सुखाने। खाने में है छोटी मच्छी का करी, ये देखिए, और चावल, और इधर कुछ है क्या, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ, ये साग, इधर है ये करी, और इधर तो ये चावल है। A few moments later. तो जी दोस्तों, मैंने नमाज पढ़ लिया है। नमाज का तो ऐसा होता है ना, हम मतलब गर्ल्स लेडीज़ का ऐसा होता है ना कि आदमी को मतलब जेंट्स का पढ़ने के बाद वो लोग तो जुम्मे के दिन मतलब, अरे कहना क्या चाहते हो, अजान होने के बाद ही पढ़ लेते हैं, हम लोगों का तो जुहर के टाइम ही पढ़ना पड़ता है ना। तो अच्छा, तो हम लोग तो अभी टाइम हुआ है तो मैंने पढ़ा है अभी, और बाबू तो सो रहा है और मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, और पापा जी और मम्मी जी खाना खा रहे हैं, उसके बाद मैं खाऊंगी। और मुझे आप लोगों के साथ बात करना है ना, ये बात करना है कि आप लोग सोचोगे कि ब्रेकफास्ट इतना देर क्यों किया। माँ मतलब बच्चों के माँ का तो ऐसा होता है ना, कोई टाइम नहीं होता है, जब बच्चा टाइम दे दे तभी टाइम हो जाता है। तो उठने के बाद बाबू को, बाबू ने सुसु किया पोटी का, तो वो साफ किया वो, और कपड़ा धोने के लिए डाला था, और उसके बाद तो बाबू को खाना खिलाया, तो दवाई पिलाया, और बाद में मुझे टाइम मिला तो मैंने बाद में खाया, आप लोगों को दिखाया। तो आप लोग ऐसे सोचोगे कि कितनी देर में ब्रेकफास्ट कर रही है और कर रही है और क्या मतलब कंफ्यूज़ कर रही है। तो कंफ्यूज़ मत होइए, मुझे जब टाइम मिलता है मैं तभी खा लेती हूँ। और ये बताना था कि ना सेल्फी स्टिक के साथ मैंने ना बनाया था ना, तो एक प्रॉब्लम हो गया, उसका आवाज़ ही नहीं आ रहा था। तो मैं कोशिश करूँगी जितना हो सके उसका एडिट करते वक्त आवाज़ मतलब ऊँचा करके आप लोगों को दूँ, तो आप लोग समझ सकते हो। नहीं कर रही थी तो ये आवाज़ ही नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों।
और अभी मतलब मैं कपड़ा धोने के लिए गई थी ना उधर, तो लाइन ही कट गया और कपड़ा कैसे सुखाऊं, तो मतलब करंट आने के बाद ही सुखाऊंगी और टांगूंगी। मुझे आप लोगों के साथ ये बात करना था। और खाना खाऊंगी मतलब थोड़ी देर बाद खाऊंगी, बाबू तो अभी भी सो रहा है। दोस्तों करंट आ चुका है, मतलब लाइन आ चुका है, तो जल्दी जल्दी मैं ये सुखा लेती हूँ। उसके बाद मतलब धूप में टांगना भी है, तो ये सूख लेता है। देखिए दोस्तों, छोटू सा पौधा पता नहीं किस चीज़ का है, कद्दू का हो सकता है, बीज गिरा है यहाँ पे, तो ये हो गया। अच्छा लगता है ना जब मतलब कोई चीज़ अचानक से हो जाता है, और जब आप बो तब भी अच्छा लगता है जब अचानक से हो जाता है। ये छोटू सा पौधा इतना प्यारा लग रहा है, पता नहीं किस चीज़ का है, कद्दू का भी हो सकता है। इधर देखिए ये और एक आया है, और इधर भी ये देखिए और एक। इधर मतलब बारिश जब होता है पानी बहुत होता है ना, इसलिए इधर सा हो रहा है। ये एक और इधर एक और इधर एक हुआ है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैठ गई हूँ, मुझे आप लोगों के साथ बात करना है, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है हवा पे, खुली हवा पे बैठना और बातें करना। और आप लोगों से ये बात करना है ना, लोग तो ऐसा एक बात भी है, सीरियल का नाम भी था कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना, है ना दोस्तों। ये तो काम ही है कि मतलब मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, लोग बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ भी करो, लोगों का काम ही है कहना ना दोस्तों। बाबू सो रहा है, मैं थोड़ी देर बाद खाना खाऊंगी। मम्मी जी पापा जी खा रहे हैं अभी भी, और तो कुछ नहीं, कपड़ा सूखने के लिए डाल दिया। कपड़ा सूखने के बाद कपड़ा टांगूंगी, बाबू उठने के बाद बाबू के साथ खेलूंगी, बाबू का खाना खिलाऊंगी। और जो रोज़ मैं करती हूँ, अगर मैं उसका ब्लॉगिंग अगर मतलब सुबह से लेकर रात तक करूँगी ना, पूरा एक घंटा आधा घंटा हो जाएगा, और इतना लंबा ब्लॉग तो कोई नहीं देखेगा। क्या मैं इतना ज़्यादा तो कोई एक्टर वेक्टर नहीं हूँ, तो कोई इतना ज़्यादा देखेगा मेरा, इसीलिए मैं थोड़ा सा 10 मिनट के 7 मिनट वो भी लगता है, शायद आप लोग को बोरिंग लगता है, इसलिए आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कुछ नहीं बोलते हो। आप लोग कमेंट किया कीजिए तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। तो दोस्तों और ऐसा होता है ना, जब लोग मतलब फेमस हो जाते हैं, जब उनका मतलब वैल्यू बन जाता है, फेस वैल्यू बन जाता है, तब अगर वो, मैं ऐसा सोचती हूँ ना, ऐसा होता हो शायद आप लोगों को हंसी भी आएगी, अगर वो पोटी करके भी ना वीडियो बना के डाल देना, तो लोग कहेंगे हाँ उसने तो पोटी कर दिया। लोग देखने के लिए 150,000 मिलियन करोड़ लोग आ जाएंगे उसका पोटी देखने के लिए, और हम लोगों का इतना मतलब इतना कष्ट करके, इतना मतलब मेहनत करके हम लोग ब्लॉग डालते हैं, कोई देखने नहीं आता। अच्छा, और यूट्यूब ने ना हमारे साथ इतना ज़्यादा बुरा किया है, अभी क्या ही बोलूँ ना, नोटिफिकेशन नहीं जाता है। ये मतलब नया कुछ पंगा हुआ है यूट्यूब के साथ, ऐसा होता रहता है, पता नहीं क्यों। हम लोग का तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, क्योंकि जो फेमस है उनका तो नोटिफिकेशन नहीं जाने से भी लोग उनको ढूंढ ढूंढ के देखेंगे, उनका ब्लॉग, उनका वीडियो, और हम लोग का तो कौन देखेगा। 30-40 बहुत मुश्किल से आता था, अभी तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो कौन देखेगा हमारा वीडियो, है ना दोस्तों। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहती थी ना, आप लोग जो देख रहे हो ना, तो आप लोग अपने फ्रेंड का शेयर कर दीजिएगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? ये नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो कैसे क्या होगा मुझे पता नहीं। मैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, सोचती हूँ, और मेरे अल्लाह से तो यही दुआ है, अल्लाह के ऊपर भी विश्वास है मुझे, क्योंकि ये ऐसा बोलते हैं ना, भगवान के घर अल्लाह के घर देर है पर अंधेर नहीं है, वो मेरा दुआ ज़रूर सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। और मेरा मैंने जो आज तक मैंने अल्लाह से जो मांगा है सब कुछ पूरा हुआ है, और मेरा विश्वास है कि ये भी पूरा होगा। मैं यूट्यूब पर कुछ ना कुछ करूँगी, एक दिन देर होगा पर अंधेर तो नहीं है ना, तो मैं अल्लाह से दुआ करती रहती हूँ और पूरा होगा दोस्तों। आप लोग भी साथ दीजिए, और अल्लाह को तो मैं दुआ करती रहती हूँ, अल्लाह मेरी दुआ ज़रूर सुनेंगे एक दिन। तो मैं अभी घर पे चलती हूँ। इधर ये सूख के गिर गया, पूरा काला सा हो गया अमरूद। चलिए दोस्तों चलती हूँ, पसीना पसीना हो चुकी हूँ पूरा। दोस्तों मैं कपड़ा लेके आ चुकी हूँ, मतलब इधर टांगना है, ये देखिए इधर धूप में टांगना है। मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ, और एक बात की ना, बोला जाता है मुझे कमेंट में कि ये सब हर कोई काम करता है, पर काम मुझे पता है हर कोई करता है, पर हर कोई ब्लॉगिंग नहीं कर सकता है। ब्लॉगिंग कोई ऐसे तो नहीं हो सकता है फ़ोन उठाया ब्लॉग कर दिया और डाल दिया वीडियो। ब्लॉग में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, अगर कोई करके दिखाए डेली ब्लॉग तो मैं मानूँ, करके देखिए आप लोग को समझ में आएगा। और ये मतलब ऐसा नहीं होता है, करने का शौक होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, मर्जी होना चाहिए, और खुशी से करोगे तो अच्छा अच्छा ब्लॉग बनता है। तो उनको मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ ना, ये भी एक काम है, कि ऐसा नहीं है कि हर कोई काम करता है, ये दिखाने की कोई चीज़ नहीं है। ब्लॉगिंग करना भी शौक से करना पड़ता है, और ये बहुत मेहनत लगता है। आप लोग करके देखिए डेली ब्लॉगिंग, तो आप लोग को पता चलेगा दोस्तों।
मतलब जो जो मुझे बोलते हैं और जो मुझसे प्यार करते तो वो तो उनसे तो नहीं बोल रही हूँ मैं, अंदर ऐसा है। दोस्तों मैंने कपड़ा पसार लिया है, मतलब टांग दिया है धूप में। और एक बात आप लोगों से शेयर करनी है ना, मतलब दुनिया में ऐसा बोला गया और बहुत बड़े बड़े लोगों ने बोला है, जब भी कोई इंसान मतलब कुछ अलग करने की कोशिश करता है ना, दुनिया के लोग उसे पागल ही बोलते हैं। तो बोलने दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब मैं कुछ करके दिखा दूँगी तब उनको पता चलेगा, है ना दोस्तों। आप लोग मेरे साथ में रहिए और मुझे कुछ बनने में मदद कीजिए। ये देखिए दोस्तों, बाबू उठ चुका है, मैंने खाना खा लिया है, बाबू को भी खिला दिया है। और मैंने सोचा कि इस ब्लॉग का यहीं पे एंडिंग कर देते हैं, इसलिए मैं बाहर आई। बाहर बहुत हमें एक बात बताना चाहती हूँ कि ना, मुझे ना ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से ही कुछ करना है। मुझे पहले से ही मन था कि मुझे जॉब भी करना है, कुछ करना है, मतलब अपने पैरों पर खड़ा होना है, पैरों पर खड़ा होना है, कुछ करना है अपनी लाइफ में, खुद पैसा कमाना है, अपने से पैसा कमाना है, इसलिए तो पढ़ाई किया ना। तो इसीलिए मैं यही शेयर करना चाहती थी। तो कुछ करना है, खुदा से अल्लाह से यही दुआ है, कुछ करना है जिंदगी में। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नए ताज़ा फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों। बाय बाय बोल, टाटा टाटा बोल दो ना, टाटा। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आप लोगों को अच्छा रहना भी चाहिए। तो दोस्तों आज है जुम्मे के दिन, I'm gonna go to bed.